चलिए आगे बढ़ते हैं इस पेशकश में। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में अगर पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही तो यहां मंच पर सियासत का एक और रंग भी हमें देखने को मिला। दरअसल आम चुनाव के लिहाज से बिहार की खासी अहमियत है और जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एनडीए के भीतर पार्टियों की स्थिति को लेकर भी झलक देखने को मिली। इस पर एक पूरी रिपोर्ट आपके लिए। मैं नीतीश जी के धैर्य और उनके कुशल प्रशासन की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। वो जिस तरह से बिहार की भ्रष्ट और असामाजिक ताकतों से लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। बिहार में बवाल के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी हैरान करने वाली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आने वाले नीतीश कुमार का बचाव किया है। हालांकि मोतिहारी में पीएम मोदी ने अगर नीतीश की तारीफ की तो अपनी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नाम लेना भी नहीं भूले। नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जो कार्य बीते दिनों करके दिखाया है उसने सभी का हौसला बुलंद कर दिया है। साथियों, देश में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां स्वच्छता का दायरा 50% से भी कम था, लेकिन मुझे आज हमारे सचिव श्रीमान परमेश्वर जी ने बताया कि एक हफ्ते के स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है। लोकसभा उपचुनाव में हार मिलने के बावजूद बीजेपी ने बिहार की सियासत में उग्र तेवर अख्तियार कर रखा है। दरअसल आंकड़ों के इतिहास की वजह से राज्य में बीजेपी का हौसला बुलंदी पर है। 2004 आम चुनाव में जेडीयू ने 24 और बीजेपी ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2009 में जेडीयू 25 सीटों पर लड़ी और 20 पर जीती थी। बीजेपी ने 15 सीटों पर लड़कर 12 पर जीत दर्ज की थी। 2014 के आम चुनाव में नीतीश की जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं थी। बीजेपी ने 2014 में 29 सीटों पर लड़कर 22 पर जीत हासिल की थी। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 7 सीटों पर लड़कर 6 पर जीत दर्ज की थी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर लड़ी थी और 3 पर जीती थी। जेडीयू को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, मगर अब एनडीए में वापसी पर वो लोकसभा चुनाव के लिए और सीटों की मांग करेगी। बिहार में बीजेपी के इतिहास को देखें तो 2014 जैसी कामयाबी उसे कभी नहीं मिली थी। ज्यादा सीटों पर लड़कर पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। साफ है कि जेडीयू को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी अपने 22 सांसदों में से आधे को बैठने के लिए नहीं कह सकती, और ये भी साफ है कि एलजेपी और आरएलएसपी अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में तय है कि सीटों को लेकर बिहार की सियासत में संग्राम और बढ़ेगा और इसी लड़ाई से फायदा उठाने की ताक में रहेंगे सियासी विरोधी। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें हैं उनमें उनको उतनी जगह मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी भी बड़ा हक मानेगी, बड़ा हिस्सा मांगेगी, सरकार उनकी है, कथित रूप से बड़े भाई वही हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो बड़े भाई नहीं रहेंगे, और अब जिस तरीके से उस पार्टी की इमेज थोड़ी कमजोर हुई है तो उसमें वो कम सीटों पर भी अपना चीजें मानेंगे। माना जा रहा है कि नीतीश, रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा चुनावी लड़ाई से पहले बीजेपी पर दबाव बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में तीनों के एक मंच पर भी जुटने की चर्चा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इस दबाव पॉलिटिक्स के आगे अमित शाह कितने झुकते हैं और इन तीनों के खाते में कितने सीटें जाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन का भविष्य कैसा रहता है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।